देर आर सम बॉलीवुड मूवी डायलॉग्स विच आर स्टिल अलाइव इन पीपल्स माइंड. इवन यू कैन गेस द मूवी नेम जस्ट बाय एनी आइकॉनिक डायलॉग ऑफ द मूवी. बट गाइस, डू यू नो दैट देर आर ऑल्सो सम हिलेरियस एंड सेंसलेस डायलॉग यूज इन मूवीज विच आर फेमस एंड मेमोरेबल, विच गॉट फेमस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिलीवरिंग मैनर और बिकॉज ऑफ डबल मीनिंग डायलॉग. सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू द टॉप मोस्ट हिलेरियस एंड सेंसलेस बॉलीवुड डायलॉग्स एवर. नंबर 10, टाइगर श्रॉफ इन हीरोपंती. 2014 की एक्शन रोमांटिक मूवी जिससे टाइगर श्रॉफ एंड कृति सेनन ने अपना डेब्यू किया था. मूवी तो सक्सेसफुल रही बट हिलेरियस डायलॉग डिलीवरी ऑफ टाइगर श्रॉफ मेक्स यू लाफ. ओहो, हीरोपंती करेगा. क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं. 2015's erotic thriller film written by Vikram Bhatt, which actually is the part of a head story series of Vishesh Films. Movie में businessman Sharman Joshi के डूबते business को बचाने के लिए Karan Singh Grover Sharman Joshi की wife Zareen Khan के साथ one night stand का proposal रखता है. Sharman Joshi उस proposal को reject करते हैं और उस पे Karan Singh Grover का ये senseless dialogue अब देखो. मतलब जान जाए लेकिन संभोग होने न पाए. नंबर 8, मुकेश तिवारी इन चाइना गेट. वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी ऑफ 1998 स्टारिंग लेजेंड्स लाइक ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, डैनी डेंजोप्पा एंड मुकेश तिवारी, विच यू कैन रिमेम्बर बिकॉज ऑफ टू रीजन. वन इज द आइटम सॉन्ग कॉल्ड छम्मा छम्मा बाय उर्मिला मातोंडकर एंड वन बिकॉज ऑफ द हिलेरियस डायलॉग डिलीवर्ड बाय मुकेश तिवारी एज अ जगीरा. मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया. नंबर 7, डेजी शाह इन रेस 3. द सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी लाइक रेस रुइन बाय द सलमान खान इन 2018 बिकॉज ऑफ रेस 3, विच हैज नो सेंस एट ऑल वेदर इन एक्शंस और इन डायलॉग डिलीवरी. लेकिन मूवी के एक डायलॉग की वजह से डेजी शाह ने उस टाइम बहुत सुर्खियां बटोरी थी और शायद लोगों के दिमाग में अभी तक ये डायलॉग वैसा ही है. हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं. आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. नंबर 6, आयशा एंड वत्सल इन टार्ज़न द वंडर कार. 2004 की फैंटेसी एक्शन थ्रिलर मूवी स्टारिंग अजय देवगन एंड मैनी अदर स्टार कास्ट, डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान. एज अ किड आई एंजॉय दिस मूवी अ लॉट ऑफ टाइम और इस मूवी का ये हिलेरियस डायलॉग मुझे बड़े होने के बाद समझ में आया. हाँ, यहाँ तुम्हारा हाथ तो इचका ऑइंटमेंट जैसा है. क्या कर रहे हो तुम? लगता है अब मुझे पूरा का पूरा इजगार बन जाना पड़ेगा. नॉटी वत्सल. नंबर 5, मुकेश ऋषि, शक्ति कपूर, हरीश पटेल इन गुंडा. 90s की मूवी की खासियत थी कि कैची डायलॉग्स उस मूवी में हम लोग को देखने मिलते थे. इस मूवी में भी बहुत सारे कैची डायलॉग आपको देखने मिलेंगे. मेरे हिसाब से तो इससे डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स बॉलीवुड में आज तक बने नहीं या फिर देखे भी नहीं मैंने. आई डोंट नो राइटर ने क्या सोच के इन डायलॉग्स को लिखा होगा, स्पेशली मुकेश ऋषि, शक्ति कपूर और हरीश पटेल के डायलॉग्स. अगर मैंने डबल मीनिंग डायलॉग की अगर वीडियो बनाए तो ये डायलॉग नंबर 1 पे होगा. मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला. मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूं मैं खटिया. मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते. मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला. नंबर 4, हिमेश रेशमिया इन एक्सपोज. 2014's रोमांटिक थ्रिलर मूवी डायरेक्टेड बाय आनंद महादेवन अंडर द बैनर ऑफ हिमेश रेशमिया म्यूजिक स्टारिंग हिमेश रेशमिया, सोनाली राउत एंड जोया अफरोज, जिसमें इरफान खान साहब और हनी सिंह के भी स्पेशल अपीयरेंसेस हैं. लेकिन इतना सब कुछ करके भी मूवी फ्लॉप की फ्लॉपी रही. म्यूजिक में आपका अच्छा करियर चल रहा है तो क्यों एक्टिंग में आना और एक्टिंग में आके भी ऐसे मूवीज क्यों बनाना जिसमें आपके डायलॉग्स ही इतने हिलेरियस है कि ऑडियंस थिएटर से भाग जाएगी. हिमेश रेशमिया's hilarious dialogue from the movie Expose. खून खराबे से मैं भी नहीं डरता. तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है. नंबर 3,
रितेश देशमुख इन हम शकल्स। इफ आई वुड रेड दिस मूवी देन इट वुड बी द मोस्ट हिलेरियस एंड सेंसलेस मूवीज ऑफ द डिकेड, स्टारिंग रितेश देशमुख, सैफ अली खान एंड राम कपूर, फीचरिंग इन ट्रिपल रोल। मतलब क्यों भाई क्यों, यहाँ पे लोग डबल रोल देख के पक गए और साजिद खान ने ट्रिपल रोल दिखा के हम शकल जैसा बवासीर बनाया। मूवी के हर एक सीन में इतनी ओवर एक्टिंग दिखाई है ना कि आप ही देख लो, मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। अरे डोंट फियर, कम नियर, पुट माय जवानी का स्कूटर इन थर्ड गियर। नंबर टू, अर्जुन कपूर इन तेवर। नो मैटर हाउ हार्ड अर्जुन कपूर ट्राई टू एक्ट नेचुरली, उसके लिए मेरे मुंह से एक ही चीज निकलती है, बस बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मतलब इस बंदे को आप कोई भी सीन दो, उसके फेस का एक्सप्रेशन सिमिलर रहेगा। अगर आपने उसे रोमांटिक डायलॉग भी दिया ना तो शायद वो इसी एक्सप्रेशन के साथ बोलेगा। जो चने खाते हैं ना वो बादाम के पाद नहीं मारते। एंड नाउ द मोस्ट हिलेरियस एंड सेंसलेस डायलॉग यूज इन बॉलीवुड मूवीज इज नंबर फर्स्ट, मेघना कोठारी इन प्रेम अगन। इट इज अ 1998 रोमांटिक फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय फिरोज खान, हु हैज लॉन्च हिज सन फरदीन खान इन हिज मूवी। और बॉलीवुड में 90s का दौर ऐसा था ना जहाँ पे आपको सेक्स सीन्स और सेक्स वर्ड्स ज्यादा यूज नहीं होते थे, तो इसलिए शायद राइटर के दिमाग में ये डायलॉग आया होगा। सूरज मुझे वो हसीन दर्द दे दो जिसे आज के बाद मैं किसी दूसरे के साथ ना बांट सकूं, और मेरा ये जिस्म सिर्फ तुम्हारी अमानत बनकर रह जाए। And that was the top 10 hilarious and senseless dialogues of Bollywood. Thanks for watching this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button. If you have any suggestions for our channel, then comment me down. You can follow me on Instagram, the handle right in front of you. You can support us by simply subscribing the channel. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, take care.